नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। कैसे हैं आप लोग? मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। आपका एक कमेंट आया था सर कि बरसात के दिनों में चाय खराब हो जाती है, उसका रख रखाव कैसे करें, चाय को संभाल के कैसे रखें, इस चीज़ के ऊपर में एक वीडियो बनाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बताया, आपका हुक्म सर आंखों पर, और मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअल में गोडाउन के अंदर में क्या होता है, जैसे जो भी छोटे व्यापारी होते हैं वो अपना जो चाय का बस्ता लेके आते हैं तो उनके पास में क्या होता है, एक बार घर में ही रखते हैं, और घर में भी ऐसे रखते हैं कि ज़मीन के ऊपर डायरेक्ट रख दिए। ज़मीन पे मैं 15 पॉइंट बताऊँगा जिसमें कि आपको ये ध्यान रखना है कि चाय का रख रखाव कैसे करना है। प्रत्येक पॉइंट को गौर से सुनिएगा, देखिएगा कि चाय आपकी ख़राब नहीं हो जाए। इस पर बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो है आपके चाय के लिए। तो एक्चुअली जो छोटे व्यापारी जो चाय खरीद के लेके आते हैं और डायरेक्ट ज़मीन पे रख देते हैं, ज़मीन में ठंडापन जो रहता है उससे एक नमी जाती है, चाय का जो तासीर है, जो चाय की जो प्रॉपर्टी है वो गर्म स्वभाव की है, और वो जब ठंडा उसके साथ में मिक्स होता है तो वो मॉइस्चर कहीं ना कहीं उसके अंदर में जाता है, और उससे चाय की जो क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है, उसकी एरोमा डाउन हो जाती है, उसका टेस्ट डाउन हो जाता है। तो अल्टीमेटली चाय के अंदर तो अपने लोग यही ढूंढते हैं कि चाय के अंदर टेस्ट बेटर हो, एरोमा बेटर हो। तो चाय जब भी आप बाजार से लेके आए तो आप छोटा सा एक पाटा बना के रखिए, लकड़ी का टुकड़ा रखिए, या किसी अलमारी के ऊपर में, या कोई कपड़ा ऐसा हो कि भाई कपड़े के ऊपर में रख दे जिससे ज़मीन की ठंड उसके अंदर में ना आती हो। तो ये ध्यान रखिए कि चाय का जब भी आप लेके आए बाजार के अंदर में, या फिर कोई जूट का बैग है उसके ऊपर में पॉलिथीन रख के उस हिसाब से करिए। एक आपको ध्यान क्या रखने की है कि दीवार से सटा नहीं रहे बोरा। दीवार से यदि सटा रहेगा बोरा तो क्या होगा, दीवार की भी नमी वो बोरा चाय टानेगी, आपको पता नहीं चलता है। जब भी कनेक्शन होता है दीवार के साथ में तो भी वो लेती है, तो दीवार से थोड़े डिस्टेंस में रखे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मनी दीवार के अंदर डैम्प रहती है और आप सोचते हैं ठीक है चाय के अंदर बोरा तो लगा हुआ है, क्या खराबी होगी क्या नहीं खराबी होगी, लेकिन डैम्प की जो गंध होती है वो भी चाय के अंदर चली जाती है। तो चाहे वो कितने रुपये किलो की चाय क्यों ना हो, चाहे 200 रुपये के किलो की हो, चाहे 300 रुपये के किलो की चाय हो, दीवान के साइड में जो चाय रहती है या तो उसमें केक जम जाता है, केक मानी पत्थर जैसा वो टुकड़ा उसके अंदर में बन जाता है, तो वो चाय खराब हो जाती है। और जितनी दूर की सराउंडिंग के अंदर में, सपोज यदि बात करें कि आपके 100 ग्राम का या आधा किलो का आपका केक जमा है तो उसके सराउंडिंग 4-5 किलो जो चाय है वो पूरी की पूरी उसमें गंद हो जाती है चाय के अंदर में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि दीवार से भी आपको थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखनी है यदि जगह की कमी है, या दीवार के साइड में भी पॉलीथीन या उस हिसाब का कुछ ठोक के रखिए कि दीवार की नमी ना आ पाए उसके अंदर में। बैग को खोल के नहीं रखना है, चाय का जो बोरा होता है जब आप चाय निकालते हैं, यदि आप छोटे व्यापारी हैं या बड़े व्यापारी भी हैं, कोई भी तरीके के आप व्यापारी हो, उसके अंदर में क्या है कि चाय को खोल के नहीं रखना। कई व्यापारी क्या करते हैं, जैसे दाल चावल है ना, जो भी आपके धनिया वगैरह है उस हिसाब से चाय को भी खोल के रख दिए कि भाई ठीक है जैसे जैसे कस्टमर आएगा वैसे वैसे वजन करके अपने लोग दे देंगे। तो उस चाय को खोल के नहीं रखना है। चाय के अंदर जैसे हींग को अपने खुला नहीं छोड़ सकते, कपूर को अपने खुला नहीं छोड़ सकते, इलायची वगैरह को अपने खुला नहीं छोड़ सकते, या उस हिसाब से चाय को यदि खुला खोलते हैं एक तो उसकी एरोमा ख़त्म हो जाएगी, उसका जो फ्लेवर है चाय का वो ख़त्म हो जाएगा, और यदि बाजार के अंदर में क्लाइमेट के अंदर में आपके जो क्लाइमेट है यदि सही नहीं है तो उसकी भी नमी उसके अंदर में आ जाएगी, तो मॉइस्चर यदि पकड़ता है तो जो मैंने पहले बताया कि चाय की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, जो कि आपको ध्यान रखना है। कई बार अपने बम्बो मार के उसके अंदर में, आप लोग अपने अपनी भाषा के हिसाब से समझ लीजिए, जिस कंछी से या किसी औजार से समझ लीजिए आप कि बोरे के अंदर में डाल के और अपने लोग सैंपल निकालते हैं तो कई बार बड़ा छेदा हो जाता है, तो उस जगह पे 2 इंची की या 3 इंची की आप टेप लगा दें, या कोई
कोई कागज का टुकड़ा या यह समझ लीजिए कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके अंदर ठूंस दे। ठूंस देने से क्या होगा कि चाय के अंदर जो बाहर की नमी या कुछ भी हवा पानी जो भी जा रहा है वो वहाँ पे बंद हो जाएगा। किचन में कभी चाय को मत रखिए। किचन में यदि चाय को रखेंगे, किचन के अंदर में क्या होती है कि भाप वगैरह जो बनती है, जो खाना बनाते हैं अपने लोग, उसकी भी जो नमी रहती है वो चाय में जाने का डर रहता है। तो किचन में और डिफरेंट डिफरेंट तरह की कोई खुशबू रहती है चाय के किचन के अंदर, कई बार कोई स्मेल होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल, जैसे हींग वगैरह की खुशबू है बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। वो पावरफुल जब उसके अंदर चाय से जब मिक्स होती है या थोड़ी बहुत टकराती है या चाय खुली है उसके अंदर जाती है, आपने बाज़ार के अंदर आप बताते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे आप बनते हो इलायची की चाय, तो इलायची का कोई रस बना के थोड़ी अपने चाय के अंदर डालते हैं। अपने क्या करते हैं कि इलायची के कुछ टुकड़े या चूरे या उसके जो पत्ते रहते हैं चाय में मिला देते हैं, तो उसकी खुशबू चाय में आ जाती है, तो अपने को ऐसा लगता है इलायची की चाय। उसी तरीके से कोई भी हेवी या नाइट आपकी जो खुशबू रहती है या चाहे गंध रहती है उसके संपर्क में यदि चाय आएगी तो उस चाय के अंदर उसी तरीके की गंध हो जाएगी, क्योंकि चाय जो है बहुत ही पानी की तरह, जैसे पानी के अंदर कोई भी कलर आप मिला देते हैं, दूध में कोई भी कलर मिला देते हैं, उसी तरह चाय के अंदर कोई भी सेंटेड आइटम जो रहती है यदि वो मिक्स होती है तो वो सेम की सेम चाय के अंदर वो सेम गंध चली जाती है। इसलिए ध्यान रखिए किसी भी तरीके की खुशबू या गंध से चाय को बचाना है तो हमेशा उसको बांध के रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अंदर की जो पोनी होती है, कई बार यदि आपकी बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं है और क्या होता है कि अंदर में जो बोरे के अंदर में जो पैकेट रहती है वो फट जाती है उठा पटक जैसे भी करने से, तो पोनी चेंज कर दीजिए, एक नई पोनी उसके अंदर में लगा के रखिए, उसको बांध के रखिए टाइट करके, नहीं तो सर वो दिक्कत हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि अपने को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अपने लोगों ने पैसा दे के चाय को ख़रीदा है तो उसका बच बचाव आपने देखा होगा। घर के अंदर में यदि आलू प्याज आते हैं तो अपने हफ्ता 10 दिन के अंदर ही ख़राब हो जाते हैं, वही आपके कोल्ड स्टोर के अंदर में 6-6 महीने तक भी यदि पड़े रहते हैं आलू प्याज तो ख़राब नहीं होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि उनको रखने का तरीका पता है, चाय सामान को कैसे रखा जाए, कैसे उसको मेंटेनेंस किया जाए, वो ध्यान रखने की बात है। तो आपने जो क्वेश्चन किया था, कमेंट किया था, उसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। आदमी जब अपने घर के अंदर में 2-3 इंची की जो टेप होती है मोटी वाली टेप रही है, किस समय क्या दरकार पड़ जाएगी, क्योंकि जो चाय के बोरे आते हैं पहले तो काठ की पेटियां आती थी और उसके अंदर में एक होल किया हुआ रहता था छेदा, तो जैसे ही उसको होल को निकालना तो जैसे पानी की टंकी से पानी निकलता टंकी से उस हिसाब से चाय निकलती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि आपका वुबेन बैग बन आ गए, इसके प्लास्टिक के जो बैग होते हैं वुबेन बैग होते हैं वो आ गए हैं, तो उसमें क्या है कि वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, यदि आपने उसमें छेदा कर दिया तो छेदा परमानेंट बन जाता है, तो उसमें सेलोटेप वगैरह रखिए करिए। कभी भी एकदम ध्यान रखिए पानी का संपर्क चाय के साथ में ना आए, यदि पानी का संपर्क चाय में आता है तो सिंपली एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बूंद चाय यदि आपकी चाय पत्ती के एक बूंद पानी यदि आपकी चाय के अंदर में गिर जाता है, कम से कम आप ये मान के चलिए वो 20 ग्राम चाय को ख़राब करेगा एक बूंद, क्योंकि एक बूंद आपके 5-6 पत्तियों के अंदर गिरेगी और जब वो तब तक उस आसपास की चाय को लेती रहेगी, उसमें आपस में जोड़ती रहेगी फेविकोन की तरह, जब तक कि उसका जो मॉइस्चर पॉइंट है उस पानी का वो ख़त्म नहीं हो जाता है, तो इस हिसाब से वो केक जम जाता है। और दिन प्रतिदिन ऐसा नहीं है कि उसी समय या उसी सप्ते में वो चाय को ख़राब करेगी, जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगी, जैसे आपका पेड़ बढ़ता है उसी हिसाब से आपकी चाय भी ख़राब होती हुई चली जाएगी। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि पानी के संपर्क में ना आए, यदि पानी लग भी जाए तो उस चाय को बाहर निकाल के सुखा के या जल्दी से जहाँ पे यूज हो सकती है उसको आप सेंटा दीजिए। लिमिटेड स्टॉक रखिए सर, आप यदि छोटे व्यापारी हैं और आपकी सेल के हिसाब से आप स्टॉक रखिए, ये नहीं मतलब है कि आपने एक बरस का स्टॉक खरीद लिया या 6 महीने का स्टॉक खरीद लिया, ज़रूरत है तो ख़रीदना भी पड़ता है यदि आप बड़े व्यापारी हैं, लेकिन उसका रख रखाव गोडाउन के अंदर या तो
काट के टुकड़ों के ऊपर में आप चाय को रखिए या पेनेट बनवा लीजिए, पेनेट के ऊपर में रखिए, दीवारों के साइड में नमी नहीं आए तिरपाल वगैरह उसमें लगा दीजिए। तो इस ढंग से रख रखाव यदि आपका बेटर रहता है तो चाय आपकी ख़राब नहीं होगी। जो बड़ा काम करते हैं वो गोडाउन डे प्रॉपर वे के अंदर में गोडाउन में विजिट करें, गोडाउन के मैनेजर से आप देखते रहिए, माल को 3-4 महीने के अंदर में एक बार उठा पटक कर लीजिए, उससे अंदर का जो माल रहेगा वो थिनता रहेगा, हवा पानी उसमें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी तो उसमें केक नहीं जमेगा। यदि एक बार केक जम गया उसके अंदर में केक बोनते हैं, चाय का जो ढेला जम जाता है बहुत सारी चाय आपस में मिल के जुड़ जाती है उसको केक बोनते हैं अपने चाय की भाषा में, तो वो क्या है होगा नहीं। 3-4 महीने के अंदर में एक बार उठा पटक कर देने से बेटर रहेगा, जो कि बड़ी बड़ी में भी होता है। गोडाउन वहीं पे नहीं, जो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव वो कॉस्टिंग के पार्ट में आएगा। यदि आपको चाय की कॉस्टिंग वगैरह के बारे में जानना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप के गोडाउन में कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि आप उसको सोन भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी जितने भी मैंने पॉइंट बताए वो यदि पॉइंट आप मेकअप नहीं कर सकते तो सर बेटर है कि सारी जगह रोड बनाने से बेटर है कि पाँव में आप चप्पन पहन के चलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी दूर के अंदर में आपका स्टॉक रखा हुआ है उस स्टॉक के ऊपर में प्लास्टिक का तिरपाल ला के ऐसे ढक के जितना माल यूज़ नहीं हो रहा है उसको बांध के रख दीजिए बरसात के दिनों में, या कोई ऐसे नॉर्मली भी यदि आप रखते हैं तो आपकी चाय ख़राब नहीं होगी। और ज़्यादा आप मनी बरसात के दिनों में उस हिसाब का एक करते हैं, जैसे आपने खेतों के अंदर में देखा होगा कि खेत के अंदर में वो लोग फसल को काट काट के बाद में उसके ऊपर में बिचाली लगा देते हैं, तो उसी हिसाब से चाय की आप लॉट लगा के 5-5, 10-10 बोरे जितने भी आपका स्टॉक है चाहे एक ही लॉट 10 बोरे की लगा के उसको बांध के प्लास्टिक के चारों तरफ वैसे रख देंगे तो चाय ख़राब नहीं होगी। एक लास्ट में मैं बात और करना चाहूँगा कि अभी सर लास्ट की सीज़न है चाय की, चाय कम खरीदिएगा क्योंकि नई सीज़न स्टार्ट होने वाली है। ये सीज़न में एक्चुअल में चाय के सेक्टर में क्या होता है कि जनवरी से सीज़न चालू मानते हैं, वो ईयर जनवरी से माना जाता है। जैसे कि आपकी दिसंबर की भी चाय है तो 2019 मानी जाएगी और जनवरी की चाय है तो 2020 की मानी जाएगी, चाहे कोई भी मंथ की हो। तो एक्चुअल में क्या है, ऐसा लगता है एक बरस पुरानी हो गई। तो चाय अभी की डेट में आपकी जितनी सेल हो उस हिसाब से आप चाय खरीदिएगा, नया स्टॉक आने वाला है धीरे धीरे न्यू प्लस का। अभी आपके मेंटेनेंस वगैरह गार्डन का चल रहा है तो उस गार्डन के मेंटेनेंस के बाद में जो क्रॉप आएगी, जैसे पतझड़ के बाद में आपके बसंत पंचमी आती है, बसंत पंचमी के बाद में नई फसल आती है जो कि आपको पता है, तो उस हिसाब से बाद में अपने नई सीजन के अंदर में बहुत अच्छे से काम करेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, आपके जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको कोई और दूसरा भी वीडियो बनवाना हो मेरे से तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच सर।